हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। जो आज के व्लॉग की ओपनिंग में बहुत लेट कर रहा हूँ, जल्दी उठ चुका था। शिरीन की तबीयत अब फिलहाल थोड़ी ठीक लग रही है, थोड़ी सी नहीं। मैं भी तुमको बोल रही सर्विस के लिए हॉस्पिटल ले गया था। चलो ठीक है, अभी देखते हैं। और अभी एसी वाले भाई आए हैं एसी सर्विसिंग के लिए, तो देखते हैं अभी कब तक ये काम होता है। ज़्यादा नहीं, मेरे को लगता है 10-15 मिनट में हो जाएगा सर्विसिंग। तो फटाफट सर्विसिंग करते फिर शिरीन को नाश्ता करवाता हूँ, क्योंकि टाइम हो गया है 1:45। शिरीन को मैं थोड़ा ज़्यादा सोने दिया क्योंकि रात को दवा भी खाई थी उसने। मैं चाहता था और सोए, मैं भाई को बोलने वाला था फ़ोन करके भाई कल आ जाओ करके, फिर इसने बोले नहीं आ रहे तो आने दो, जो है आज करके क्लियर करते। तो बस अभी व्लॉग भी एडिट करना है, व्लॉग भी एडिट करके अपलोड कर दूँगा मैं फटाफट, और सब हो जाएगा इंशाल्लाह। और इसको फिर डॉक्टर के पास भी लेके चले जाएंगे। अभी पहले सर्विसिंग का हो जाए फिर आपसे हम लोग मिलते हैं। सो गाइज, अभी बैठे हम लोग नाश्ता करने के लिए, और बस अभी फटाफट से नाश्ता करते हैं। शिरीन को उसकी जो नाश्ते के पहले की दवा है वो भी मैंने दे दी है, और अभी नाश्ता करने के बाद उसको भी दवा देनी है। और आज देख लो उसकी हालत कैसी है, मुँह पूरा सूज चुका है, इसका पूरा गर्द मुँह सूज गया है, गले में और ज़्यादा दर्द हो रहा है अभी इसको। अब देखते हैं नाश्ता करने के बाद। मैंने बात करी अभी, और मेरे को मतलब जो मैं क्लिनिक में जाती हूँ ना यहाँ पर ही नज़दीक में, उनसे मैंने बात करा, मैंने बोला ऐसी की बात ऐसी, तो उसने बोला कि तुम्हारे लगता है बीपी हाई हो गया रहेगा। मैंने बोली हाई हुआ कि लो हुआ मुझे कुछ नहीं मालूम, मेरे को बस ऐसा था कि मैं गई, मैंने बोला मैं तो गई ऐसा लग रहा था। तो बोलते कि नहीं नहीं कुछ नहीं ऐसा, बस स्ट्रेस में तो क्यों जी क्या बोल रही पाउडर। हाँ कुछ तो उन्होंने बोला है, अभी वो देखते क्या है क्या नहीं। लिख के मेरे को व्हाट्सएप पर भेजा, पहले बोला से भी अभी फिलहाल के लिए पाउडर पियो और रेस्ट करो, और जो गोली उनने दी है ना, मैंने बताई दोनों जो गोली उनने दी ना वो खा लो बोले, और बोले वो ORS और वो सब पी के थोड़ा रेस्ट करना। मेरे को शाम को 7 के 2 बजे एग्जैक्ट मैंने कॉल किया और उनका क्लिनिक बंद हो जाता है, तो उन्होंने बोला कि एक काम करा 7 बजे आके मेरे को मिलना, तो कुछ ही नहीं बस स्ट्रेस नहीं लेना ज़्यादा, सही हो जाएगा। अब पता नहीं इस क्लिनिक में जाने का क्या सुनाते हैं। चलो ठीक है गाइस, मिलते हैं आपसे नाश्ता करके। ये देखो गाइस, बीमार पड़ी तो कैसा बराबर पैर वे सब दबा रहे, मतलब मैं मेरी बीवी की सेवा कर रहा हूँ, बीवी को फिर से झटका भी पड़ा है, मेरे को बहुत चिल्लाया इससे अभी बहुत जोर से, तभी ऐसा लाफा घसीटूंगा तेरे मुंह पे। अभी ORS दिए मेरे को, थोड़ा पी तो अच्छा लग रहा है, गोली भी खाली हो गया, एक पैर हो गया गाइस, देखो दूसरा पैर भी हो गया ना। क्या कर रहे हेलो फोन नहीं, ये फोन चालू, हेलो फोन है लेके जाने का किधर ले जा रहे, मेरे को जनाब जी के पास लेके जा रहे मेरे को, क्योंकि ना मेरे को उल्टे उल्टे सपने भी आ रहा है, मैं बहुत डर के भी उठी हूँ इसीलिए। तभी चलो थोड़ा गाइस टेंशन मत लो, आज का ये आखिरी दिन होगा जब हमारा हम रोना रोएंगे इंशाल्लाह, अगले बार से आप रोना बंद कर देंगे। यस बस हो गया, अभी जितना चीज़ें हम सोच रहे कि हमारा अच्छा बुरा सब बताए ना, तो उतना हमारे साथ उल्टा ही हो रहा है। तो अभी ना हम अच्छा ही दिखाएंगे, सिर्फ बुरा कुछ भी नहीं दिखाएंगे। हाँ लिटरली यही फील है। और क्या, और कुछ नहीं, आउच ऊपर मत दबा। देखो क्या मत करो यार इतना, जो जो हल्लू करो ले। अरे बात करना, जान नहीं बची यार मेरे मुक्ति, थोड़ा आराम कर, आराम नहीं भी उठूँगी फटाफट, नमाज भी पढ़ के लेती हूँ। अयो यो यो उतना गोश्त नहीं अब मेरा आंग में, देखिए गाइस मैं बोल रही जितना नहीं लग रहा है मेरे को, हो गया ना। कौन रे, हेलो तुम्हारे को फोन भी आया शायद ना। चलो गाइस मिलती हूँ थोड़ी देर से, कैफ के लिए मैंने एक गिफ्ट ऑर्डर करी हूँ, जो कैफ को पता नहीं वो सरप्राइज है कैफ के लिए, सच्ची तो तुमको बताऊंगी नहीं, जब वो आएगा ना तब तुम बहुत खुश होगे। चलो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर बाद। जी जी मैंने कांटेक्ट करी ने मुकल जो
वो जो कौन से कलर वाला अबाया देखा आपने? रेड ब्लू, ये सॉरी ब्लू ग्रीन, चलेगा ठीक है। मैं चेक करता हूँ, वैसा कुछ अगर रहेगा ना तो मैं शेयर करता हूँ। 56-57 साइज ठीक, हाँ हाँ चले ओके। हाँ हाँ वालेकुम अस्सलाम ताहिरा, ओके ठीक है जी 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 ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। सो गाइस आपने देखा मेरे को गुजराती बोलने आती है बट मैं अटकता हूँ, समझ नहीं अल्हम्दुलिल्लाह पूरी बोलने के लिए जा रहा था तो ये मेरी मजाक उड़ा रही थी। आपको नहीं है क्या बोल रहे थे? ताहिरा नाम है उनका, वो भी शायद व्लॉग्स देखते हैं अपने और उनको अबायास चाहिए। ओके आप अबाया दे रहे हो? हमारे पास नहीं है बट उनके लिए हम कुछ ना कुछ अरेंजमेंट। यस और कौन सा वाला उनको बोलना था? स्क्रीनशॉट भेजना जो बगदाद के टाइम पे तूने पहनी थी, जाने के टाइम पे, वो जाने के टाइम और वहाँ जो भी पहनी थी वैसे मैं उनको पूछूं। फैशन अबायास ही है ना, घर पे लेके आया उसको, रात में ही लेके आया हूँ मैंने घर पे, कुछ नहीं उसको ये थोड़ा स्ट्रेस की वजह से ना ये पैनिक अटैक बोलते ना वैसा हुआ था उसको। अब वो चीज़ समझाता हूँ बट कैसे है ना कि बहुत से लोगों के ना वो जो स्पेसिफिक कमेंट्स वगैरह जो मैसेजेस। गाइस अभी मैडम आ चुकी है, सो के थोड़ा उठ के आराम करके अभी आई है, अभी कर रही है घर की यहाँ का पोर्शन पहुँच रही है क्योंकि अभी ये नमाज पढ़ने का है बोल रही है, तो ठीक है अभी ये फटाफट कर ले नमाज पढ़ लेगी फिर निकलते हैं। हमारे बोलते ना अल्लाह से हमारे गम दर्द सब कुछ शेयर करते हुए हर चीज बोलते हुए मैं अभी अपना दुख दर्द सिर्फ उनको ही बताऊंगी और मैं अभी बस रो रो के बस पेट भर चुका है मेरा और ऐसा वाला पेट भर है ना कि मेरी फट गई मैं बहुत भयानक वाला डर चुकी हूँ कि जो भी हुआ है ना बस मैं दम हो गई अभी वो चीज़ों से अभी बस हो गया गाइस। बहुत रो लिया, बहुत धो लिया, धो तो लिया पर अभी बहुत रो लिया बस हो गया। चलो ठीक है गाइस अभी सब हो जाए फिर उसके बाद हम लोग आपसे मिलते हैं। नमाज पढ़ के फिर हम निकलेंगे जाएंगे संदानी के पास, संदानी भी अजमेर से आ चुका है और आप लोगों के लिए एक चीज मैं ला रही हूँ जो आप लोग नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह देखोगे वो है जैनब और उसके हस्बैंड जिसको बहुत लोग प्यार करते हैं, हस्बैंड नहीं बताते, हस्बैंड नहीं बताते कितने बार बताओ ये उसका हस्बैंड है ठीक है। तो हस्बैंड और वो जैनब और वो संदानी का अजमेर का ट्रिप दिखाऊंगे, माशाल्लाह से लोग गए थे समदानी वहाँ, बहुत कुछ समदानी अजमेर में बहुत ज़्यादा कुछ होता है, उसको इतना अच्छा लगता है ना वहाँ पर, उसका आने का मन नहीं करता है वहाँ से, वो जब भी उसको पूछिए कहाँ जाने का तो कौन सी दरगाह जाने का वो अजमेर बोलेगा, बाबा के पास बोलेगा, बाबा के पास मतलब बड़े पीर के पास बोलेगा, बोलेगा मेरे को इराक जाने का, नहीं तो एक बोलेगा अपने जलाल चौक, मैंने जलाल चौक पर जाना था हम अपना उरूज भी था बट मेरे को कैफ लेके ही नहीं तो मैं बराबर जाती थी, मेरा कुछ भी होता था मैं साइड भी होती थी ना पहले तो ना मैं मेरी एक्टिवा निकालती थी सीधा निकल जाती थी तो वहाँ सुकून से वहाँ पर जाके बैठ जाती थी पर अभी ना कैब मेरे को लेके ही नहीं जाते वहाँ पर, पहले मैं बहुत जाया करता बहुत अच्छा लगता वहाँ पर ना माशाल्लाह से ना जुल्फिकार ना अभी से दरगाह के बड़ा कैब को मेरे को दिखाने लेके जाना था बट अभी पता नहीं कैब मेरे को लेके जाएंगे नहीं ले जाएंगे अल्लाह बेहतर जाने, तो मैं उनको वीडियो बताऊँ मैंने वीडियो सेव करी तुम्हारी स्पेशल और कैफ के लिए मैंने कुछ सरप्राइज सोची आई समझ गया मैं उसको वो चीज समझ चुका और हिंट भी मिल चुका अब मेरे यस मैंने उसको हिंट दी क्योंकि मेरे पेट ना दुखता है मेरा क्योंकि उसको जब तक बताऊंगी मेरा पेट दुखेगा इस वजह से ना मैंने सब चीजें ना खोल दी थी रात नहीं है मस्ती कर रही कुछ भी नहीं ले जा रही ऐसे सिर्फ छेड़ दी रहती हूँ अभी चलो फटाफट कर लेती हूँ नमाज पढ़ती हूँ फिर आपसे सीधा निकलेंगे ना।
सो गाइज आज फाइनली इतने दिन से मैं दाने डाल रहा हूँ बट कोई आता नहीं, तो फिर मैं दाने ना वहाँ से हटा देता था। आज फाइनली इतने दिन बाद मैं देख रहा था, माशाल्लाह कितने प्यारे तरीके से आके खा रहे हैं, इतना अच्छा लग रहा है ना मेरे को, सुकून लग रहा है। और ये व्यू देख के इनके साथ में तो और ही प्यारा लग रहा है। मेरे को ये पालने नहीं देती ना वरना मैं पूरा यहाँ पे कबूतर का दरबा बना दूँ यार, मेरे को बहुत शौक है यार। कोई नहीं, चलो ये भी खाएंगे, थोड़ी दुआ तो देंगे बस। ये लोग सब हमारे नेबर्स ही हैं, यहाँ पे ऊपर जो पायरी है ना वहाँ पे रहते हैं ये लोग। ये वहाँ रहता है कि नीचे के ये वॉल, ये वाले वॉल के ना बाहर साइड में नीचे की पायरी पे बैठते हैं ये लोग, वही सब है। तो गाइस मैं कपड़ा पहन रही थी, मैं तैयार हुई और देखो यहाँ पर ना कंग है, खाना खा रहे। मेरे को बोलते छिरी अपने घर मेहमान आ रखा, मैं चिल्लाया इसके लिए नहीं, कि उड़े आए। कितना खुश हुआ ये लड़का भी, इतने दिन से डाल रहा कोई आ रहा नहीं, हटा दे रहा था ना, आज फाइनली आ तो गए। चलो हो गया मेरा। तो गाइस अभी हम लोग निकल रहे थे, तो देखो अरे पीछे की बैकग्राउंड आवाज, अरे अंकल, अरे अंकल, अरे वो चांद के प्यारे ना, प्यारा लग रहा है ना, माशाल्लाह। देखो कैसा घेर घेर के कपड़ा, देखो लड़के का कहाँ गए, देखो 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 कैसे बैठकर साइकिल खराब हो जाएगी, तो कर तोड़ दे। स्टंटर बना है वो, वैसी वाली नहीं है मम्मा, अभी बड़ी वाली लेगा ना तो वैसा उछाल सकता है, तो ये वाली छोटी है। बड़ी वाली ना छोटी जंप करती है। हाँ तो वो ये अलग है, वो अलग छोटी वाली है, वो वाली अलग रहती है, वो ये अलग है, वो स्टंटिंग वाली ना वो अलग है, वो लेके आएंगे अपन तेरे लिए। ओके टमाटो आई तेरे साथ कर करके हमने जाना नहीं है। अच्छा होटल होटल तो अभी हम लोग खाना खाने के लिए बैठे। क्या दलिंदरी है यार। अरे हाँ अभी हुआ, खाइए शुरू कीजिए खाना खा। खिलाने कुछ नहीं, जो ये है ना ये जो पेनी है ना तू, ये पूरा लाल पीला नीरा हो जाएगा यहाँ पे। बापरे। तो गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं, जा रहे हैं बांद्रा, पहले जाएंगे माहिम, माहिम में एक पार्सल है, और ऑफकोर्स माहिम में पार्सल रहेगा तो गजाला चिक्का ही है वो पार्सल, तो पार्सल दे के वहाँ से हम डायरेक्ट निकल जाएंगे बांद्रा। और क्या, और मेरी मेडिसिन जो थी, मेरे को जो मैं जाने वाला था क्या है हम लोग डॉक्टर के पास। अरे रुको बोलने, तो उन्होंने बोले कि नहीं अभी जो ये मेडिसिन दी है ना यही तुमको खाना है। मैंने बोला ठीक है चलेगा कोई बात नहीं, और बस मुझे वो क्या पीने बोले, ओ आर एस पीते रहने बोले, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा एकदम बहुत ज़्यादा पीपी सब लो रहा था। उसने बोला ओ आर एस और यही खाना है तुमको, बोली और ज़्यादा कुछ नहीं, टेंशन लेना नहीं है, टेंशन लिया तो सीधा भी सबके इसमें मेंशन हो जाओगे स्टोरी ओपे हम लोग पहुंचे माहिम बीएमसी के पास, और ये देखो ये अभी मैं यहाँ पे रुका देने के लिए, उसको अचानक वापस सांस की प्रॉब्लम होने लगी। अच्छा है गाड़ी में पंप रहता है इसका ही। ठीक लग रहा है।
लगे बस बस हम लोग पहुंच गए बैंड ड्राइवर को। मत ना कैमरे को देखिए तो शूट कर रहे तो बराबर मालूम नजर देखो देखो कैम जा रही है दीदी घर। क्या कौन गंदा दिख रहा है? तुम हम लोग तीनों गंदे दिख रहे हैं नहीं तो और तू कौन है? अबा चल मैं नहीं अबा नल मैं तू कौन है तू हाँ उसको बोल बोलने कौन है अबा कौन है अबू और मामी अबा अबा को पूछा मैं हाँ ठीक है सब हम लोग पहुँचे वैसे ही नीचे हम लोग तो दीदी भी नीचे ही मिल गया हम लोग को तो जोरा दीदी चले गए और अभी हम लोग यहीं रुके आई मीन रुके नहीं ऊपर आए पर ऐसे करो ना कैसे वो पाल मामा को भेजो ना क्या भेजो पाल मामा को भेजो क्या अब बस कर देगा और मामा अच्छा कि मामी मामा और मामी एक बताओ एक मामी मामी अच्छी है हाँ नानी को पूछ अब हम कुछ अच्छा है मैं आ जाऊँ अरे कैसे मामा सीलिंग का पूछ आ जाऊँ मैं जाऊँ मामी क्या उसने कौन अच्छा है मैं अरे अरे अबान को पूछो अबान को हाँ तो अब हम कौन अच्छा है अरे क्या क्या मामी अच्छी है कि नहीं अरे मामी अच्छी है हंसने में लगे देखो क्या बोला तेरा अब हमको पूछा अच्छा जाने ना आप कैसे हो अच्छा ऐसे अच्छा कह रही हो तो हमदल्लाह की दुआ क्या है हाँ हमदल्लाह की दुआ है अच्छा ठीक है अस्सलाम क्या अस बेटा बोलते सलाम अच्छा वालेकुम वालेकुम अच्छा को मंगवा देगा तू अच्छा वालेकुम सलाम कैसे हो वालेकुम सलाम आप कौन हो अब्बास और ये अबान अच्छा बच्चा कौन है मैं और अबान मैं अच्छा बच्चा हूँ मैं अच्छा अच्छा दादू मैं तो अच्छा बच्चा हूँ मैं तो काम करता हूँ मैं अच्छा बच्चा दादू और खुला पांव की तिरा तिरा करता हूँ और क्या करते हैं और घूमता हूँ चाले दी क्या चालीस दिन घूमता है कहाँ सारा दिन अच्छा सारा दिन बोलो इस सारा दिन मैं घूमता हूँ और क्या करते घर पे घर में और मैं दे जल्दी मैं देऊंगा मुझे तो आता है और जल्दी अब आन दो जल्दी देखो मैं कितना बड़ा वाला हूँ बड़ा वाला मैंने अभी तक एक भी कॉल किया टाइम देख सकता है दस बज गए और मैं अभी तक एक भी कॉल YouTube खोला ही नहीं मैंने कमेंट्स देखा नहीं है थोड़ा सा ही फील कर रही हूँ तो अभी बैठ के सब कमेंट्स का रिप्लाई दूंगी मेरे को पता नहीं कैसे दिए नहीं दिए पर मैं बैठ के सबके रिप्लाई दूंगी जैसा कल जिस जिसने मैं पहले थैंक यू बोल रही हूँ जिसने लोग ने इंस्टा पर कैफ के नंबर पर कॉल करके मेरे को मैसेज करके कैफ का आइडिया मैसेज करके
जिलानी पे मैसेज करके, और इंस्टा पे कमेंट तो आए ही रहेंगे, यूट्यूब पे तो कमेंट आ ही रहेंगे, पहले चेक कर लेती हूँ लोगों ने कितना कुछ बोला है, और फिर आप देखो गाइस के हम सारे बेल्ट चेक कर लग रहा है, देखो लगेगा तो मतलब ये बेल्ट अच्छा है। चलो वैसे अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से और निकल के आपसे। तो गाइस मेरे को जो है ना चटपटा खाने का मन कर रहा था और मुझे जानू लिया है। क्या हुआ? मैंने किया, मैंने किया कि मैंने कुछ चटपटा खा रहे ऐसी मन कर मेरे को कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा था, मतलब ऐसा जैसा चटपटा चाहिए कुछ, क्योंकि ना बीमार हो ना अंदर से अंदर मैंने वो अजीब सा वो मतलब टेस्ट आ रहा, कल मुझे इंजेक्शन पड़ी ना उससे तो और मेरे को भयंकर टेस्ट आ रहा है, तो ना इसलिए मेरे को चटपटा खाने का मन करा था। वहाँ तो जैनब के यहाँ पर चिकन का सालन का ही थी, वो भी अच्छा बनाया था एकदम, है ना अच्छा बनाया था, वो भी चटपटा था। अभी मेरे को ना यहाँ पर कैब बोले कि यहाँ पर चल, यहाँ पर ना किधर मम्मा फोन अयाचा की दुकान पर है, दूर भी नहीं घर के बाजू, हाँ घर के बाजू में जो शानूज है ना, देखो शानूज वहीं खड़े हैं, रोल खा रहा है, रुको मैं कैमरा मेरा हमेशा इसी के अंदर है। मैंने जैसे बताया था कि यहाँ से जो गली है देखो देखो लंबे बाल वाला शानूज ही है, यहाँ से जो गली है ना यहाँ से ही हम लोग आए और ये सामने है, तो अभी मैं यहाँ पर बोले मेरे को रोल खिलाओ फिर उसके बाद मैं खाऊंगी, मैं नहीं नहीं खाऊँ खाऊँ नहीं खाऊँ, अरे खा ले नजर लग जाएगी, क्या लग जाएगी, अरे वॉफल खाऊंगा, ये इतने दिन के बाद खा रही हूँ जान मीठा, मन कर बीमार हूँ बोल के यार, क्या पता कल मैं रहूँ ना रहूँ, शायद ही मेरी आखिरी इच्छा हो सकती है। चलो मैं जाके वहाँ पर ना ऑफर का ऑर्डर भी दे देते हैं, फिर टाइम लगे क्यों बंद हो जाएगा फिर, टाइम लगेगा थोड़ा, हाँ चलेगा वो बंद हो जाएगा ना तो उसको ऑर्डर दे देते हैं ना, उसको बोल देंगे डब्बे में डालने, फिर बाद में इधर से खा के फिर वो खा लेंगे। तुम्हारे लिए कुछ जानू ना पता हमारे पैसे पे क्या, चलो वहाँ पर इधर जाते हैं, नसीब इतनी ख़राब है ना बेचारी ने एक रोल मांगी और उसके लास्ट में एक लास्ट में एक ही रोल मिला इसको और पूरा माल खत्म हो गया आयाज वालों का आज, मिला तो मिला फिलहाल इतना आसरा कर ले दूसरी जगह चले जाएंगे अपन खाने के लिए। काले काले सो गाइस वहाँ का माल हुआ ख़त्म, मैडम आइए यहाँ पर, यहाँ का कभी टेस्ट नहीं करे, ये फर्स्ट टाइम टेस्ट कर, रील्स वगैरह बहुत देखी है यहाँ, हाँ कभी यहाँ पे ऑर्डर दिए चिकन, क्या है क्या ऑर्डर दी, चिकन चटपटा स्पाइसी टिक्का, वहाँ का काली मेरी तो फेवरेट हो गया, कभी एक लेते खा के देखते और फिर आपसे मिलते। तो अभी आ चुका है शेरिन का चटपटा स्पाइसी रोल, खा के बता कैसे है। ये देखो गाइस मेरे को ना खोल नहीं आ रहा, मैंने इनके दी कैसे बता रहे थे वो बता दिया मैंने, चलो तभी शूट करना चाहिए, हाँ मैं बोल रही रुको रुको रुक रहे नहीं है, अब तो ये रोल इतना बड़ा है कि मिर्च खा जाएगा या नहीं पूरा पूरा के बाद में आ जाएगा, बड़ा ही है, कैसे आदमी फ्रंट कैमरा पर शूट कर रहा है, मैं तो छपड़ी दिख रही हूँ, पैसे बर्बाद हो गए, पैसे ठीक है नहीं हुए पैसे बर्बाद, ऐसा क्यों
ऐसा नहीं है, मतलब इनके टेस्ट मच बेटर है। तो भैया लोग में बड़े खत्म हो, चलो कोई बात नहीं। तो गाइस हम लोग बैंक स्टैंड का ऐसी राउंड है आज, बूस्ट की भी हम लोग बस ऐसा एक छोटा सा राउंड लिया और अभी हम लोग निकल रहे हैं। और चलो अभी घर पहुँच कर ही मिलते हैं आपसे। तो गाइस हम लोग यहाँ पर रुके थे, कैब को कुछ चाहिए था इसलिए, और मेरे को अचानक से ना वापस से वैसे ही शिवरिंग ये सब चालू हो गई है। तो अभी मैं ना कैब को तो डर के मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही, फिर मैंने अभी जैनब को कॉल किया, मैंने बोला सुनना ऐसी की बात ऐसी हो रही, मैंने बोला कि अभी कुछ बात होती है तो आ जाना। मैंने कैब को तो अभी बताया नहीं, अब मैं गोली खा रही हूँ यहाँ पर ही, मैंने बोला मैं गोली खा लेती शायद मेरे को थोड़ा कम लगे, और मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों। ये देखो गाइस लेट नाइट क्रेविंग्स, बस बस बस, हाँ क्या करोगे, दाल जल जीरा उसमें, मेरे को पहला बोलती तो नींबू भी देता था, लेमन डाली पूरा नहीं गया ना क्या यार, पहला मेरे को बोलती पीने का तो नींबू देता था ना तेरे को, अभी क्या करूं, क्या करूं, हिला कैसा हिला, वैसी ग्लास हाथ से पकड़ा, हाँ हिला, हाँ हिला 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 जोर जोर से हिला, हाँ मस्त। तू क्यों मजे ले रहा है, मिला अभी अभी रख, अभी पानी भर उसमें, आई क्या खुशबू, घाट मारा देगी, और डालना थोड़ा ऐसे फीका फीका लगी, देखो पानी पानी बस दो मेरा, ये ले ये सब लगा अभी तेरा माल मटेरियल, अब इसमें पहले बोलो ले चले, ये क्या है, क्या यार जब नहीं मालूम है कुछ तो काहे के लिए करने का, इट्स ओके कोई बात नहीं, तुम धोखे लग गए, मुंह लगा के बोलो कर, हाँ कर, और थैंक यू, तो बोल स्वीपर ली मैंने, और लेने के लिए स्वीपर की लेने बोल रहा हूँ तो? मैं भी बताया वैसा करने, वो ऐसे भी करती वैसे भी करती। ए चल रे झिट्टी, जो भी है लेकिन मैंने बताया ना कुछ तो अपल भी है हमारे पास। चलो ठीक है गाइस, अभी मैंने खाना तो खा लिया घर पे आके, यस, और मैंने गोली रास्ते में खा ली थी तो मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ, मेरे को ना यहाँ पर पेन थोड़ा हो रहा था तो मैंने बाम भी लगा ली, अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। तो बस बहुत लोगों का प्यार, बहुत लोगों की दुआ मिली, बहुत अच्छा लगा था, प्यार सपोर्ट आप लोगों का देख के मुझे बिलीव तक नहीं हो रहा कि मुझे इतने दुबई से सारे लोगों ने कॉल किया, बट अफसोस कॉल पे बात मैं शिरिन से नहीं करवा पाया, क्योंकि शाम को भी आपने देखा इसको मैंने नाश्ता करवाने के बाद दवा खिला के सुला दिया था, तो बट बहुत अच्छा लगा, बहुत से लोगों ने हमको कॉल किया और शिरिन की तबीयत के बारे में पूछा लोगों ने, इतना प्यार दिया, क्यों दिया। तो गाइस बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी दुआ से शिरिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह एकदम अच्छी हो चुकी है, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और बस बस अभी ये पी के ये खा के चले जाएंगे हम सोने, उसके अलावा मेरे को आता क्या है, मैं काम भी थोड़ी ना करता। क्या कर रहे हैं? बस सो गाइस यही खत्म होता आज का हमारा दिन, कर रही हूं अच्छा। मैं बात भी नहीं करूं, मैं पूरे दिन आज व्लॉग में इतना बात भी नहीं करी। तो गाइस ये बोल रही थी मैंने जितना सोचा नहीं इससे कहीं 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 ज्यादा मुझे प्यार मिला, सपोर्ट मिला, बहुत लोगों के इंस्टाग्राम पर मैसेज, बहुत लोगों के कमेंट्स, जैसे मैंने बोला भी था कि यार इतने कमेंट्स आए, मैंने लिटरली मैं बिलीव नहीं करी कि कितने लोगों ने कमेंट्स किया, और जो नेगेटिव भी किए उन लोगों को भी थैंक यू, जो पॉजिटिव किए उन लोगों को भी बहुत 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 बड़ा थैंक यू एंड लव यू ऑल। और बस एक चीज़ है जो मैं कैफ को बोलूँगी कि लास्ट अभी मतलब अभी ओके ये जो क्लिप है इसके बीच में एक मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया एक चीज़ का, तो बस वो डाल देना। और आप लोग गाइस ये ब्लॉग मैंने कैफ को भी नहीं बताया कि वो क्या है, तो वो कैफ अभी बाद में देखेंगे एंड करने के बाद, ठीक है। तो मुझे बस ये बताना गाइस कमेंट करके कि ये चीज़ सही थी या गलत थी, ठीक है।
और कुछ भी नहीं, बस यही खत्म होता है आज का हमारा दिन। एंड थैंक यू सबको, लव यू सबको इतना प्यार इतना सपोर्ट देने के लिए। और क्या, और कुछ नहीं, बस क्या ही बोल सकते। यस, और नया कलेक्शन बहुत जल्दी आने वाला है भाई, गल्ले 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 गल्ले, ठीक है। जेसी का कलेक्शन एक दो दिन में ओपन होने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट ऑल्सो गाइस। और इंशाल्लाह वी होप कि आप लोगों को वो चीज पसंद आएगी। हर टाइम हर चीज ही पसंद आती है माशाल्लाह से, और हम लोग लाते भी ऐसी चीजें कि इंसान को वर्थ लगे, और वो पैसे में तो वर्थ भी नहीं, बहुत ज्यादा ही खुश हो जाते हैं लोग, लाइक लेवल बढ़ जाता है लोग के, ऐसा बिलीव नहीं कर पाते वो लोग। बट वी होप कि आप लोग ऐसे ही प्यार अभी दे रहे हो तो आगे भी आप लोग ऐसे ही देते रहोगे। और कुछ नहीं, बस यही खत्म होता है आज का हमारा दिन। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आएगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, प्यार देते रहना, प्यार बढ़ाते रहना। इंशाल्लाह मिलेंगे जल्द हम एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों। अरे बाप रे।